देखो बाबाओं को, कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत, कोई प्रेत चढ़ा रहा है, और कोई बाबा तो सीधा जेल में जाके बैठा हुआ है। कोई बाबा कृपा का कारोबार कर रहा है। हाँ, कृपा का कारोबार ऐसा, बोले महाराज मेरी बहुत हालत खराब है, कुछ बच्चे भी फंसाते उनके चक्र में, महाराज मेरे नंबर ठीक नहीं आ रहे, बोले जा समोसे खा लेना हरी चटनी के साथ, कृपा हो जाएगी। वो बेचारा फेल होके वापस आया, महाराज कृपा नहीं भी फेल हो गया, बोले किस चटनी से खाया था, बोले हरी से, बोले इस बार लाल चटनी से खा लेना कृपा हो जाएगी। अरे बेवकूफ कही के, ऐसे कृपा के कारोबार करते। मैंने कोई कृपा का कारोबार नहीं किया, मैंने भूत प्रेत नहीं चढ़ाया, कहीं किसी परेशानी के तो राहु नहीं चढ़ाया। मैंने लोगों को बोला, अरे मैंने कहा भैया तुम काले भाठे पे तेल चढ़ा रहे हो, उससे तुम्हारी किस्मत बदलेगी, काले भाठे पर तेल चढ़ा रहे। बोले शनि की दशा चढ़ गई। अरे शनि लाखों किलोमीटर दूर और धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर शनि चढ़ेगा तो तेरी चटनी बन जाएगी बावड़े। शनि चढ़ गया इसके ऊपर बहुत चढ़ा बावड़े, किसी के ऊपर भी शनि केतु राहु नहीं चढ़ते उतरते, किसी पर भूत प्रेत नहीं चढ़ते, कोई काल मुहूर्त अशुभ नहीं होता। रोज आज आज कैसी घड़ी है, आज कैसा मुहूर्त है, कैसे कैसे चक्कर में पढ़े लिखे पढ़ते हैं, आज तो मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे सूरज किसने बनाया, भगवान ने। धरती किसने बनाई, भगवान ने। चंद्रमा किसने बनाया, भगवान ने। सूरज और चांद के घूमने से क्या बनते हैं दिन रात, जब सूरज शुभ है धरती शुभ है, उनसे बनने वाला समय कैसे अशुभ हो सकता है, तुम बताओ। फालतू के चक्कर में पड़े हुए बेवजह बिना मतलब, पता नहीं कैसे कैसे पाखंडों में उलझे पड़े हैं। मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने अपने ऊपर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो, काम करो, कामयाब हो जाओ। फालतू के चक्कर में कुछ लोग बोले बाबा जी मेरी तो किस्मत माड़ी है। अरे मैंने कहा तेरी किस्मत माड़ी होती, भगवान आदमी क्यों बनाता तेरे को, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा बनाता, अरे आदमी बना दिया तुझे, तू अपनी अपनी तकदीर के लकीरें खुद लिख। आप में से कुछ तो ज्योतिष की किताबें भी इधर उधर से लेके पढ़ते रहते हैं, मेरे हाथ देखो सामने, अभी तो आपको दूर से नहीं दिखाई देगा, टीवी में देख लेना, यहां एक रेखा बताते हैं लोग, ये लाला लोग बहुत रेखा दिखाते हैं, ज्योतिषियों के बहुत चक्कर में रहते हैं पाखंडियों के। सुनो, देखो एक तो है राइट ज्योतिष, मैं उसका खंडन नहीं करता हूं, जिसमें मैथमेटिक्स है, आज से हजारों लाखों करोड़ वर्ष पहले बता दिया था हमारे ऋषियों ने, सूरज में और चंद्रमा में और पृथ्वी में कितनी दूरी है, कैसे दिन रात बनते हैं, कैसे ऋतुओं का चक्र चलता है, एक मैथमेटिक्स है, वो एक अलग चीज है। ये तो तथाकथित इधर उधर जिसको देखो वही पतरा लेके बैठा है, जिसको देखो वही पता नहीं कौन सी रावण संहिता, अरे मैंने कहा तो उसकी किस्मत ठीक नहीं थी, तो रावण संहिता लेके किसका भाग्य बता रहा है। फिर बोले यहां बताते हैं, बोले एक यहां इधर से लंबी से रेखा निकलती है ऐसी सीधी, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा है? मेरे हाथ में है ही नहीं। बोले बाबा जी ये क्या हुआ, मैंने कहा जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं बता रहे हो तुम, उस स्वामी रामदेव ने लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य बदल दिया, इसका मतलब तुम्हारी भाग्य रेखा ठीक नहीं, हमारी कर्म रेखा ठीक है। हाँ, आजकल शादी भी करते हैं तो क्या मिलाते हैं, कुंडली। तुम्हें पता है तुम किस दिन पैदा हुए हो, तुम मां के पेट से, तुम्हारा जो बर्थडे है झूठा है बच्चों, सुन लो, जो बर्थडे हो झूठा है, तुम मां के पेट में से पैदा हुए थे, उससे पहले क्या मुर्दे थे, कितने दिन के थे मां के पेट में पैदा हुए थे तब, 9 महीने का, कोई ज्यादा उछल कूद करता होगा तो 7 महीने का आ गया होगा। 9 महीने के बाहर आए, तो जिस दिन तुम बाहर आए उससे पहले 9 महीने पहले तो तुम पैदा हो चुके थे, इसका मतलब जो जन्म पत्री बनी हुई है वो आउट ऑफ डेट है, 9 महीने पहले ही पैदा हो गए थे तुम तो। और आज कई बहनों में, अरे बोले ये तो मंगली है, जो मंगली हो उसके साथ जरूर ब्याह करना, क्यों, अरे लोग पाखंड फैलाते हैं, बोले तो मंगली है, बोले इसके तो ग्रह दशा खराब है, जो मंगली है ना वही जहां भी जाएगी मंगल करेगी, सुन लो बेटी हो, फालतू के चक्कर में पड़े हुए हैं, ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं,
मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं कभी कोई ढोंग पाखंड को नहीं मानता हूं। ये पता है इसको, ये जो सेठ बैठा है ना सुरेश गोयल, इसको पता है। वैसे ये ज्यादा ढोंग पाखंड में नहीं रहता, ये खाली बजरंग बली जी की पूजा करता है। मैंने कहा इतना ठीक है, अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखो, और श्रद्धा खाली ऐसी नहीं रखो कि सुबह उठे और बजरंग बली की, अरे खुद बजरंग बली बन जा। अब मुंह में गुटका ले रखा है, अब मारेंगे हनुमान जी गदा तेरा, थोपड़ा फोड़ देंगे बावड़े। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और मुंह में गुटका ले रखा है बावड़े। इसलिए सुनो, आपको एक बढ़िया सा भजन सुनाता हूं, कैसा बनना है, खुद राम जैसा बनना है। खुद क्या बनना है? खुद कृष्ण जैसा बनना है, खुद हनुमान जैसा बनना है, खुद लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सीता लक्ष्मी जैसा बनना है। कैसा?